अग्रकुल प्रवर्तन और समाजवाद के प्रणेता महाराजा अग्रसेन की 5146वीं जयंती ढोल नगाड़ों के साथ बैंड बाजों की स्वर लहरियां, महाराजा अग्रसेन और महारानी माधवी के गूंजते जय घोष, एक ईंट एक रुपया का सिद्धांत का संदेश देती झांकियां, शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत करते अग्रवंशी। ये नजारा था बुधवार को श्री अग्रवंश सेवा समिति की ओर से सिकंदरा बोदला क्षेत्र में पहली बार महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का। शाम 5 बजे सेक्टर 3 स्थित ग्वाल पैलेस होटल में भव्य शोभा यात्रा में गणेश जी, शेरे वाली माँ, 18 राजकुमारों सहित महाराजा अग्रसेन, महारानी माधवी के स्वरूप की झांकी, राम दरबार की आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांकी निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने और महाराज अग्रसेन जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं आरती कर किया। अग्रकुल प्रवर्तक और समाजवाद के प्रणेता महाराजा अग्रसेन की 5196वीं जयंती ढोल नगाड़ों के साथ बैंड बाजों के स्वर लहरियां, महाराजा अग्रसेन और महारानी माधवी के गूंजते जय घोष, एक ईंट एक रुपया का सिद्धांत का संदेश देती झांकियां, शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत करते अग्रवंशी। ये नजारा था वही अध्यक्ष मनीष अग्रवाल। महासचिव विजय सिंगल ने बताया कि जयंती महोत्सव में शास्त्रीपुरम स्थित ग्रीन वैली में महाराजा अग्रसेन, अनिल अग्रवाल, महारानी माधवी, शशि अग्रवाल के स्वरूप के साथ 18 राजकुमारों की महाआरती के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सिकंदरा क्षेत्र के वयोवृद्ध माता पिताओं को अग्रमाता अग्रपिता का सम्मान दिया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर योगेश सिंघल और शोभा यात्रा प्रभारी करण गर्ग ने बताया कि शोभा यात्रा सेक्टर 3 से प्रारंभ होकर आवास विकास के सभी सेक्टरों में भ्रमण करती हुई शास्त्रीपुरम स्थित कार्यक्रम स्थल ग्रीन वैली पर महाआरती के साथ समाप्त हुई। मैं देवेंद्र गोयल, अग्रवाल महासभा महामंत्री। आज किस तरह कार्यक्रम आप देख रहे हैं? हमारा 5146वीं हम जयंती मना रहे हैं। 26 तारीख को जयंती थी, कल हमारा 11 दीपों का प्रोग्राम था अग्रसेन मूर्ति पर बुद्धिया कटा पे। आज मंदिर पर, कंच मंदिर पर हम यहाँ पर 18 कन्या और 18 राजकुमार और संस्कृत प्रोग्राम महाराजा अग्रसेन की जयंती के ऊपर, उनके ऊपर बच्चों को बड़ों को जानकारी देने का, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, उनके क्या उद्देश्य थे, उस तरीके का प्रोग्राम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं और पूरे प्रोग्राम का मनोरंजन कर रहे हैं। और महाराज जी के ऊपर बिल्कुल जो भी उनके हमको अच्छे संस्कार और हमको अच्छे उद्देश्य होते हैं उनको हम बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। और इसी तरीके से हर साल हम जयंती पूरे उल्लास से मनाएंगे और महाराज जी अगर जयंती होंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अविनाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।